राम रहीम की हालत में अब सुधार देखने को मिल रहा है। राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे उपचार के लिए 15वीं मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है। उसका उपचार अब गैस्ट्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉ. अमरेंद्र पुरी के नेतृत्व में किया जाएगा। मेदांता अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से उसके सभी तरह के जांच फिर से किए जा रहे हैं। राम रहीम का उपचार पीजीआईएमएस के 11 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम कर रही है, जिसकी ओर से सुझाए गए जांच के लिए उसे 2 दिन पहले मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां पर टेस्ट के दौरान प्राथमिक जांच में कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके चलते उसे 9वीं मंजिल पर कोविड वार्ड में रखा गया था। जेल प्रबंधन की ओर से परिजनों को भेजी जाने वाली सूचना पर हनीप्रीत उसे देखने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल प्रबंधन की ओर से राम रहीम का अटेंडेंट कार्ड भी 15 जून तक बना दिया गया था। हालांकि जेल मैनुअल ने हनीप्रीत का पास रद्द कर दिया था। दरअसल राम रहीम रोहतक की जिस जेल में बंद है उसके मैनुअल के अनुसार उससे उसके परिवार का कोई सदस्य या दूसरा कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं आ सकता। रोहतक जेल प्रशासन के विरोध के बाद मेदांता अस्पताल ने हनीप्रीत का पास निरस्त कर दिया है। राम रहीम को मेदांता अस्पताल में 3 स्तरीय सुरक्षा के तहत रखा गया है। जेल से निकलने के बाद राम रहीम की मुख्य सुरक्षा का जिम्मा महम के DSP शमशेर दहिया के पास है, जबकि गुरुग्राम DCP ईस्ट मकसूद अहमद की ओर से 3 ACP और 3 इंस्पेक्टर के साथ 55 जवानों को मेदांता के आसपास तैनात किया गया है।